नमस्कार, आनंद रसोई में आपका स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा, मैं आज बनाने जा रही हूँ शीतला माता का प्रसाद। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। शीतला माता के प्रसाद बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जी बना करके रख लेंगे। उसके लिए हमने पत्ता गोभी काट लिया है और हमने 4 बड़े आलू उसको भी काट लिया है। हमने एक पैन में 1 चम्मच ऑयल गर्म कर लिया है। गर्म हो गया ऑयल हमारा, इसमें डाल देंगे हम जीरा और डाल देंगे इसमें हम हींग, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, इसमें डाल देंगे हम हरी मिर्च बारीक कटी हुई, पत्ता गोभी डाल देंगे इसमें हम, आलू, नमक, गरम मसाला, अब इसको हम ढक देंगे और अपनी सब्जी को हम पकने देंगे मीडियम गैस पे। सब्जी हमने दूसरी गैस पे रख दी है, अब बनाएंगे हम हलवा इस गैस पे। हमने एक कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी ले लिया है, बड़ा वाला। ये हमारा गर्म हो रहा है, घी हमारा पिघल गया है। अब डाल देंगे इसमें हम सूजी आधी कटोरी, सूजी को हम भून लेंगे सुनहरा होने तक। सूजी हमारी भून चुकी है, अब डाल देंगे इसमें हम पानी। इसमें हमने 1.5 गिलास पानी करा था, अब डाल देंगे इसमें हम चीनी आधी कटोरी। तो हमारा बन चुका है, गैस बंद कर देंगे। इसमें हम कुछ और नहीं डालेंगे। अब सब्जी भी हमारी बन चुकी है, आलू गल गए हैं, गैस बंद कर देंगे। हम बनाएंगे प्रसाद के लिए पूड़ियाँ। हमने पूड़ी के लिए आटा गूंथ लिया है, बिना नमक का फीका आटा है। इसको पूड़ी का टाइट बिल्कुल हमने करा है। हम इसकी 8 लोई तैयार करेंगे। हमें पूजा के लिए 8 पूड़ी बनानी है। हमने सबकी लोई बनाकर गोल कर लिया है। एक लोई लेंगे हम, इसमें हम तेल लगाएंगे और इसको हम बेल लेंगे। इस प्रकार से हम बेल करके तैयार कर लेंगे। हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, इसमें हम डाल देंगे अब पूड़ी। हम सभी पूड़ियाँ इसी प्रकार से सेक लेंगे।
हमारा प्रसाद बन चुका है। हम एक थाली लेंगे, उसमें हम रखेंगे सब्जी, हलवा, दही, चने की दाल हमें चाहिए। हमने चने की दाल को पानी में भिगो दिया था 5 से 6 घंटे के लिए, उसको पानी से निकाल लिया हमने। पूड़ियाँ, 8 पूड़ी चाहिए हमें इसके लिए। और हम लेंगे गुजिया, जो हमने होली बनाई थी गुजिया, उसी को लेंगे हम। तैयार है हमारी थाली शीतला माता के लिए।